नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी S23, जो कि दोस्तों सैमसंग का एक लेटेस्ट सीरीज का डिवाइस है, जो कि दोस्तों काफ़ी लोगों को जो पसंद भी आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो बॉक्स के हिसाब से कि ये मेरे पास काफ़ी पुराना बॉक्स है, यानी मतलब दोस्तों मैंने इसको ख़रीदा है सेकेंड हैंड, न्यू नहीं ख़रीदा, क्योंकि दोस्तों न्यू काफ़ी महंगा है, 80,000 का है, और सेल में भी दोस्तों अच्छा कोई इतना अच्छा डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा, तो मैंने ये सेकेंड हैंड ही ले लिया। बट दोस्तों ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 3 मंथ ओल्ड है और ज़्यादा यूज भी नहीं हुआ ये, बट फिर भी मैं दोस्तों आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ऊपर दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी S23, ये फ़ोन का डिज़ाइन दिया गया है जो कि हमारे पास है दोस्तों क्रीम कलर, और पीछे की साइड आप दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर इस फ़ोन के बारे में बताया गया है कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है, और इसकी MRP देख सकते हो आप 95,999, यानी दोस्तों ये 96,000 रुपये का इस पर इसकी MRP दी गई है। बट ये एक्चुअल में दोस्तों जब आप इसको ख़रीदते हो तो ये आपको मिल जाता है 80,000 रुपये का 256 GB वाले वेरियंट, क्योंकि दोस्तों मेरे पास है जो 8 GB 256 GB वाले वेरियंट में आपको दिखाऊं तो देख सकते हो क्रीम कलर है दोस्तों, और 8 GB और 256 GB वाला मेरे पास ये वेरियंट है। चलिए ओपन करते हैं बॉक्स को। तो कुछ इस तरह का डिवाइस आता है, इसके ऊपर जो रैपर आता है ब्लैक कलर का, वो इसमें तानी मैंने हटा दिया था। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हमें क्या मिलता है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों डाटा केबल वगैरह होती है वो मैंने अभी तक इसकी यूज ही नहीं किया, ऑलरेडी मेरे पास पहले से चार्जर है सैमसंग का, तो इसकी पिन भी नहीं है, पिन मैंने निकाल दी है। तो आप देख सकते हो ये है इसकी डाटा केबल, जो कि दोस्तों USB Type-C होती है, आप देख सकते हो, देखिए। और दोस्तों इसके अंदर कुछ जो पेपर वगैरह होते हैं वो मैंने फेंक दिए, क्योंकि इतने उनके यूज होते नहीं हैं, तो यही होता था उस बॉक्स के अंदर। और हमें इसमें चायर वगैरह मिलता नहीं है, तो आप वो सोचना ही मत, क्योंकि फ्लिपकार्ट हमें, क्योंकि सैमसंग दोस्तों हमें 80,000 रुपये में सिर्फ फ़ोन ही देता है, बाकी हमें कुछ नहीं देता। तो इसके ऊपर दोस्तों मेमरी लगी हुई है, इसलिए डिज़ाइन दिख रही है कटआउट, इसके ऊपर मेमरी लगी हुई है, मैंने इसके ऊपर मेमरी लगवा दी थी फ्रंट बैक में, और दोस्तों फ्रंट में लगा हुआ है एक टेम्पर ग्लास अच्छी क्वालिटी वाला। दोस्तों इसके सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट साइज है दोस्तों, देखिए आसानी से आपके हाथ में आ जाएगा ये। और दोस्तों इसका साइज काफ़ी अच्छा है, 6.1 इंच का इसके अंदर साइज मिलता है। इसके अंदर आपको दोस्तों बैक में 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, आप देखो कैमरे को देख सकते हो जी, जिम लेंस के ऊपर कैमरे प्रोटेक्शन के लिए लेंस लगवा दिए हैं, जिससे कोई कैमरे पर स्क्रैच वगैरह ना आए। दोस्तों इसके फ्रंट में दोस्तों आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है फ्रंट और बैक दोनों तरफ। इसकी जो फ्रेमिंग है दोस्तों ये है मेटल की, और ये है वॉल्यूम बटन, ये है पावर बटन, इसमें आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे। और दोस्तों इस जगह पे USB Type-C है, और इसमें आपको 2 SIM लगाने का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते बट 2 SIM यूज कर सकते हो। बैटरी बैकअप दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा है, बट बैटरी इसकी दी गई है 3900 mAh की, जो दोस्तों काफ़ी छोटी हुई है, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है। बट बैकअप की बात करोगे तो आपका नॉर्मल अगर आप इसको यूज करते हो तो 1.5 दिन का बैकअप मिल जाता है, और आप अगर थोड़ा हल्का सा हैवी यूज करते हो तो आपको 1 दिन का बैकअप मिल जाएगा। और आप स्क्रीन ऑन टाइम की बात करो दोस्तों, तो आपको 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है पहले के मुकाबले, S22 में दोस्तों इतना अच्छा बैकअप नहीं था, बट इसके अंदर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा बैकअप मिलता है। डिस्प्ले की बात करूँ तो आप देख सकते हो प्रिंट, जो फिंगरप्रिंट का दोस्तों जो यहाँ पे जो कटआउट है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी जगह दिया गया है, देख सकते हो आपका अंगूठा आसानी से यहाँ पे आ जाएगा, और ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। प्रिंट इसका जो फिंगरप्रिंट है दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है, और इसमें दोस्तों आपको IP68 की वाटर प्रूफ वाली प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन होती है किसी भी फ़ोन के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस फ़ोन के बारे में जो भी और भी कोई सीक्रेट बातें हैं वो आपको पता ही होंगी, क्योंकि ये डिवाइस काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब मेरे पास आया उससे तो काफ़ी पहले इसकी कई वीडियो आ चुकी हैं। डिज़ाइन दोस्तों इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम फीलिंग देता है। अब मुझे दोस्तों आईफोन पसंद नहीं है, इसलिए मैं आईफोन नहीं लेता, तो मुझे एंड्रॉयड अच्छे लगते हैं, नहीं तो दोस्तों आईफोन अगर कोई लेना चाहता है तो आईफोन भी आ जाएगा, और उसके कुछ पैसे ही बच जाएंगे अगर वो इस डिवाइस को लेना चाहता है। तो
क्योंकि ये डिवाइस है 280,000 रुपये का। और आईफोन 14 जो दोस्तों जो अच्छी डिवाइस है वो आपको सिर्फ 50 या 55,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर। फिर भी दोस्तों जो 80,000 रुपये का है तो काफ़ी महंगा है आईफोन के मुकाबले। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।